सब्सक्राइब कीजिए इंडियन कॉइन मिल चैनल को और दबाइए इस घंटी को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, कुछ समय से एक रुपए का सिक्का काफी चर्चा में है और इसकी कीमत के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये सिक्का करोड़ों रुपए की कीमत रखता है। तो दोस्तों, वो कौन सा एक रुपए का सिक्का है जो इतना कीमती है, इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक रुपए का सिक्का जो है आजादी के बाद कई बार उसके डिजाइन में चेंज किया गया है और आज जो एक रुपए का सिक्का देख रहे हैं हम, वो काफी बदल चुका है आजादी के बाद से। दोस्तों, आजादी के बाद ऐसे एक रुपए के सिक्के सबसे पहले 1962 में चलाए गए थे। इस पर गेहूं की दो बालियों को दर्शाया गया था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर समय समय पर कई सिक्कों और नोटों पर कृषि से जुड़े काफी सारे चित्रों को दर्शाया गया है। दोस्तों, एक रुपए के इन सिक्कों को 1962 में जब जारी किया गया था पहली बार, तब इन सिक्कों को निकल धातु से बनाया गया था और इन सिक्कों का वजन था 10 ग्राम। इसके बाद 1975 में इनकी धातु को बदल दिया गया और इनको कॉपर व निकल की धातु से बनाया जाने लगा और इनके वजन में भी 2 ग्राम की कमी की गई। 1975 से 1982 तक इन सिक्कों को चलाया गया और उसके बाद 1982 में इन सिक्कों के डिजाइन में फिर से एक बार चेंज किया गया और इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम कर दिया गया। इन सिक्कों को 1982 से 1991 तक चलाया गया और उसके बाद 1992 से 2004 तक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्कों को चलाया गया जिनका वजन था 4.85 ग्राम। इन सारे ही सिक्कों के डिजाइन लगभग समान थे। इन सिक्कों के सामने के भाग पर दो गेहूं की बालियां बनाई गई थी और एक रुपए लिखा गया था और इसके नीचे इसके बनने का सन लिखा गया था और इसके नीचे इसका मिंट मार्क भी आप बना हुआ देख सकते हैं। सिक्के के पिछले भाग पर अशोक स्तंभ को बनाया गया था और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में भारत और इंडिया लिखा गया था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सिक्के की जिसकी काफी चर्चा है। 1985 में जारी हुआ एक रुपए का सिक्का जिस पर गेहूं की बालियां बनी होती हैं और ये एक रुपए का बड़ा सिक्का है। दोस्तों, ये सिक्का ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिक्का बहुत ही ज्यादा कीमती है और रेयर भी, क्योंकि ये सिक्के बहुत ही कम मात्रा में बनाए गए हैं। पर दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही फेक सिक्का है। इस सिक्के को कभी 1985 में जारी नहीं किया गया क्योंकि 1982 में एक रुपए के सिक्के की डिजाइन में चेंज कर दिया गया था और इसके बाद ऐसे बड़े एक रुपए के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। दोस्तों, ऐसे एक रुपए के सिक्के नकली सिक्के हैं और आप ऐसे सिक्के गलती से भी ना खरीदें। तो ये वीडियो आपको सचेत करने के लिए बनाई गई थी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके और वो भी जान सके ऐसे नकली सिक्कों के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।